हाय फ्रेंड्स, दिस इज रमेश, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम जा रहे हैं बहुत ही 750 साल पुराना प्राचीन मंदिर, माँ गुप्तमणि देवी मंदिर जा रहे हैं। हम हमारे शहर टाउन से लगभग 25 किलोमीटर दूर है गुप्तमणि मंदिर, बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं बहुत बार जा भी चुका हूँ वहाँ पर, तो आज फिर से एक बार जाने का मौका मिला है मुझे अपने फैमिली के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ज्वाइन हुए हमारे साथ और माँ गुप्तमणि मंदिर का दर्शन करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आइए चलिए चलते हैं गुप्तमणि माता मंदिर, चलिए। फिलहाल हम पहुंच गए हैं गुप्तमणि मंदिर। तो ये जो हाईवे देख रहे हैं, ये हाईवे जाता है बॉम्बे की तरफ और ये जो हाईवे है ये जाता है कलकत्ता की ओर। तो चलिए आइए माता का दर्शन करते हैं। चलिए पहले प्रसादी ले लेते हैं। ये प्रसादी का दुकान जहाँ से हम लोग ले रहे हैं। Thank you.
लोगों ने अपनी प्रसादी ले लिए। चलिए चलते हैं मंदिर की ओर, मंदिर की ओर दर्शन करते हैं। चलिए आपको भी माँ के दर्शन करवाए। मेरे पीछे जो माता देवी का प्रतिमा देख रहे हो, ये कुप्तमनी माता देवी है। तो इसी का दर्शन करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो आइए आप भी दर्शन कर लीजिए कुप्तमनी माता देवी की। अगरबत्ती जलाइए। और नाम बताइए, क्या नाम से पूजा होगा? नाम बताइए। नाम टाइट पैंट मात्र में नाम साल के लिए। ओम गणेश जी एवं विश्वकर्मा नियम जाता है कि यहाँ पर जो भी आप दिल से मांगते हो उस माँ के दरबार में आकर आपकी मुराद जरूर पूरी होती है। तो यहाँ पर देखिए कितनी मुरादें पूरी हुई है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पर जो भी सच्चे दिल से आके माँ से कुछ मांगता है तो जरूर उनकी मुरादें पूरी होती है। देखिए देखिए मुरादें, देखिए कितने लाखों लोगों की मुरादें पूरी हुई हैं यहाँ पर आके माता मंदिर माता के दरबार में आके। यही है माता की शक्ति। इससे आप समझ सकते हो कि माता अपने बेटों से कितना प्यार करती है।
तो ये देख रहे हो आप, ये मंदिर का परिसर है पूरा। बहुत छोटा सा मंदिर है लेकिन बहुत ही मान्यता प्राप्त मंदिर है। ये छोटा सा परिसर मंदिर का। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा माता रानी के दर्शन कर कर। तो यही आशा है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, अगर अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।